मैंने आपको कहा था कि एक फोटो भेज दिया करो मेरे को व्हाट्सएप पे। हाँ ग्रुप में फोटो डाल दिया करो कि कहाँ तक कौन कौन से क्वेश्चन करवा दिए मैंने। डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के करवा दिए क्या मैंने? डिफरेंशिएशन के एग्जांपल में दीक्षित, तो तुम्हारा माइक ऑन करके, जिसका माइक ऑन हो रहा है वो माइक ऑन करके मेरे को कॉपी दिखा दो एक बार, जिनका माइक ऑन हो रहा है ऑन कर लो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। कौन कौन से अपने क्वेश्चन करवा दिए? हाँ कोई बात नहीं, चलो माइक ऑन नहीं हो रहा तो फोटो भेज दिया करो मेरे को, ग्रुप पे डाल दिया करो जो मैं डेली कराऊं, ताकि मेरे को ध्यान रहे, क्योंकि मेरे क्या क्लासेस बहुत सारी होती है तो पता लगता है तुम्हें कौन सा क्वेश्चन कराया, मैंने कौन सा नहीं कराया। ठीक है, तो क्लासेस बहुत ज्यादा होती तो थोड़ा ध्यान नहीं रहता है, कोई एक आध क्वेश्चन रह नहीं जाए तुम्हारा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। टेन तो चलो माइक ऑन नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे से ध्यान रखना। दिख रहा है बोर्ड? देखो, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन है। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, फाइंड डीवाई बाय डी एक्स, आपको इसमें डीवाई बाय डी एक्स आपको निकालना है। अब देखो, डीवाई बाय डी एक्स निकालना है आपको, क्या निकालना है? डीवाई बाय डी एक्स निकालो, तो ये सब ट्राई करो कितना आ रहा है डीवाई बाय डी एक्स। हाँ देखो,
हाँ ये तो बात जो किसी का हाँ किसका है आंसर? टू एक्स प्लस टू सही है, 2x+2 सबका सही है जिनका आ गया है 2x+2। ठीक है चलो अब आगे क्वेश्चन देता हूँ, एक और वो करना। इसका आ गया 2x+2। ये करो क्या रहा है 2x-x की पावर -2। ठीक है ये सेम मिरर किसका रहा है? ठीक है वेरी गुड। अब इन दोनों क्वेश्चन में किसको डाउट है वो बताओ मैं फिर मैं करवाता हूँ दोनों क्वेश्चन। डाउट है जिसको बोलो। डाउट किसको है? किसी को डाउट नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले dy बाय dx निकालना है तुम्हें। ठीक है x के रेस्पेक्ट में करोगे तो d अपॉन dx x² + 2x + 1। ठीक है अब इसको सेपरेट कर दो। सबसे पहले सेपरेट करोगे तो ये हो गया x² + dx 2x + d1/dx। ये तो हो गया 2x, ये हो गया 2, ये हो गया 0। x² कितना होता है? पावर 2 आ गया। x² - 1, 2 बाहर, x x खत्म हो गया। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर dy/dx। ये आ गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। x² dy/dx करोगे आप, सबसे पहले आप सेपरेट कर लो, सेपरेट d/dx x² + d1/dx। ठीक है और ये हो गया 1/x, ये हो गया अपना 1/x। ठीक है अब ये तो हो गया x² का 2x। ठीक है 1/x d/dx, x ऊपर जाकर x की पावर -1, तो 2x + -1 आगे x की पावर -1 -1 फॉर्मूले से, प्लस माइनस माइनस x की पावर -2। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। उतारो इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस को उतार लो।
देखो इस क्वेश्चन में वन अपॉन एक्स था, तो एक्स कहां से रह जाएगा, ऊपर, एक्स की पावर -1 -1 आगे, तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम तरीका चाहो कि नहीं सर हमें समझ में नहीं, तो सर दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा मेथड होगा, तो वो अपन मेथड इतना सॉल्व नहीं करते। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। हो गया सबका, आगे बढ़े। आप देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नेक्स्ट देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो तुमने पढ़ रखे हैं वही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूंगा मैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक उन सब की बात करूंगा। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फर्स्ट है डी अपॉन डी साइन थीटा, किसके रेस्पेक्ट में करूंगा मैं, थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होगा कॉस थीटा। ठीक है, डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, डी अपॉन डी थीटा अगर टेन थीटा हो तो इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये दो चीजें, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, धीरे धीरे टाइम के साथ आपको याद होते चले जाए, टाइम के साथ आपको याद होते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि इसका डिफरेंशियल साइन का ये होता है, कॉस का ये होता है, और टेन का ये होता है। ठीक है, तीनों फॉर्मूले लिखो। अब देखो, अब इनके क्वेश्चंस करते हैं अपन। y इज इक्वल टू 2 sin x, मेरे को निकालना है dy बाय dx। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया d अपॉन dx 2 sin x। ठीक है, 2 sin x, x के रेस्पेक्ट में करो, x के टर्म अंदर, बाकी कांस्टेंट है 2, 2 ये वाला बाहर निकल सकता है, तो 2d/dx sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपना 2d/dx sin x का कितना हो जाएगा, cos x। तो इसका आंसर आ गया अपने पास dy/dx आ गया 2 cos x, dy/dx कितना आ गया 2 cos x। ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन करता हूं मैं, y इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, अब मैं dy बाई dx निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ मैं, dy बाई dx। अब dy बाई dx जो आएगा वो कितना आएगा, d अपॉन dx साइन 2x। अब क्या 2 बाहर निकल सकता है क्या, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो 2 मैंने बाहर निकाल दिया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो मैंने 2 क्या निकाल दिया था, बाहर निकाल दिया था, लेकिन मैं इसमें 2 बाहर निकाल सकता हूँ क्या, मैं इसमें 2 बाहर नहीं निकाल सकता, तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा। देखो 2 बाहर भी आ सकता है और 2 अंदर भी आ सकता है, तो बाहर वाले का तो सॉल्व कर दिया, अब अंदर वाले को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अब अंदर वाले को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मान के चलो कि एक स्टैंडर्ड फंक्शन है साइन, तो सबसे पहले जो साइन है, इस साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस, तो कॉस 2x, केवल मैंने साइन का किया तो साइन, ठीक है, 2x को मैंने थीटा मान लिया, स्टैंडर्ड टर्म मान ली 2x को मैंने, स्टैंडर्ड टर्म मान ली 2x। ठीक है, तो cos 2x होता है, अब sin का हो गया cos 2x। ठीक है, अब इस अंदर पे कौन बचा 2x, अब इस 2x का अलग से डिफरेंशिएशन करो, 2x
2x का अलग से डिफरेंशिएशन करो, तो cos 2x तो अपना आया ही, और इसका डिफरेंशिएशन करने पे कितना आएगा 2, तो आंसर कितना होगा 2 cos 2x dy by dx, ठीक है, क्योंकि वो 2 मेरा अंदर भी आ सकता है, और अगर मेरा 2 अंदर आएगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, समझ में आ गया। sin 2x है तो sin को मैंने इस 2x को मान लिया कि थीटा है, इस 2x को मान लिया मैंने थीटा है पूरा, एक चीज मान ली, ठीक है, तो sin का कितना हो गया cos थीटा 2x as it is। अब अंदर कौन था 2x, 2x का डिफरेंशिएशन करो अलग से, इसको लिख दो मल्टीप्लाई में, इस तरीके से अपन करेंगे, 2 बाहर भी आ सकता है और 2 अंदर भी आ सकता है, समझ में आए दोनों एग्जांपल, दोनों एग्जांपल समझ में आए क्यों? अब अगर मैं और इन एग्जांपल्स में और बात करूं तो वेरी गुड, देखो सेकंड वाले में 2x अंदर है, ठीक है, अब तुम्हें पता है कि साइन थीटा एक स्टैंडर्ड टर्म होता है, तो साइन का क्या होता है कॉस, तो साइन का तो अपन ने कर दिया कॉस थीटा, यानी कि कॉस 2x, ठीक है, फिर अंदर कौन बच रहा है 2x, इस 2x का अलग से डिफरेंशिएशन करो, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि इस तरह के क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे अपन को सॉल्व करना है, ठीक है निशा, निशा ऐसे ही आपको क्या पढ़ना, कर ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आ रही है आवाज, लिखो क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है ये वाला, जो थर्ड क्वेश्चन मान लो कि थर्ड क्वेश्चन आ गया समझ में, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन थर्ड समझ में आ गया क्या,
चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, ठीक है? अब तुम सॉल्व करके बताओगे इनके आंसर्स क्या क्या आएंगे। ठीक करो दोनों क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर। आया किसी का आंसर? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, करेक्ट। ओके, फिफ्थ वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा तुम्हें, एक सेकेंड। लो अब जगह फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन का तो आंसर आएगा, इसका आएगा। देखो कैसे कर रहे हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो डी वाई अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी ए साइन ओमेगा टी, जिसको ओमेगा बोलते हैं अपन, तो ए बाहर आएगा। सबसे पहले कहाँ जाएगा? ए बाहर आ जाएगा, तो डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी, ठीक है? तो ये हो गया ए साइन ओमेगा टी, कितना हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा। फोर्थ क्वेश्चन में कोई डाउट, फिफ्थ में डाउट हो तो पूछ लेना, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये फिफ्थ का आंसर होगा, लेकिन आगे माइनस आएगा, लेकिन आगे क्या आएगा? माइनस, ठीक है? ये कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगले क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में किसी को डाउट हो पूछ सकते हो।
ये जो है इसको बोलते हैं अपन फाई, क्या बोलते हैं इसको? फाई, क्या बोलेंगे इसको? अपन फाई बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फाई, जो गोल गोल सा है ना ये जो बनाया मैंने, ये इसको बोलते हैं अपन फाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करके निकालो, dy बाई dt कितना, निकाल के बताओ। गलत दीक्षिता, गलत है बेटा, सही से करो, कॉन्सेप्ट वही लगाओ जो मैंने समझाया है। ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाइव है, ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाइव है। दीक्षिता जो मैंने समझाया बेटा वही लगाओ, एक्स्ट्रा मत लगाओ। सुमित शर्मा गलत है बेटा, आपका भी गलत है। मैं कहता हूं देखो, डी वाई बाय डी टी, ठीक है, डी अपॉन डी टी, वाई कितना है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस, ठीक है। अब तो ए बाहर, डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, साइन का अंदर वाले को पूरा थीटा मान लेते हैं अपन, अंदर वाले टर्म को पूरा स्टैंडर्ड थीटा मान लेते हैं, तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब अंदर कौन बचा? इसका डिफरेंशिएशन करना था अपन को, वही टी के रेस्पेक्ट में, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, डी अपॉन डी टी ओमेगा टी प्लस डी अपॉन डी टी फाइव, ये तो कांस्टेंट जीरो, ये कितना हो जाएगा? ओमेगा, ठीक है, ये एज इट इज, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस, ये हो गया मेरा डी वाई बाय डी टी, ये मेरा है करेक्ट आंसर, उतार लो। आपको डाउट हो तो पूछ लो फटाफट। कोई डाउट किसी को?
कोई डाउट हो तो बोलो बेटा किसी को, एनी डाउट? आज समझ में आया? ठीक है, ओके, चलो आज की क्लास खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं पाएगा, अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे अपन इससे आगे। या एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए, ठीक है? वो कल करके रखना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो, थोड़ा सा करके रखना उस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए। लिख लो होमवर्क। इसके कॉस के अंदर है थीटा के सारे, है ना? ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें इसको करके रखना था। लिख लिया? चलो ठीक है, जाए, बाय बाय, टाटा, सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर अपन।